एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 14 अगस्त 2021, एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, इसमें कौन सा देश शीर्ष पे रहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट है। देखिए ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 जारी किया गया और इसमें सिंगापुर जो है ये दो यहां पर टॉप पर रहा। युवा विकास के मामले में भारत विश्व में 122वें स्थान पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। भारतवर्ष 2010 से 2018 के बीच युवा विकास के क्षेत्र में सबसे तेजी से उभरने वाले 5 देशों में शामिल है। युवा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और यहां पर समावेश, शांति, सुरक्षा और राजनीतिक और यहां पर नागरिक भागीदारी के विकास के आधार पर यह रैंकिंग दी गई है। डेवलपमेंट जो यहां पर है बेसिकली यहां पर तीन कंट्री जो है मेन वो है सिंगापुर, स्लोवेनिया और नॉर्वे। भारत का स्थान 122वां है और जारी करता है लंदन स्थित कॉमनवेल्थ सचिवालय सेक्रेटरेट। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है। देखिए इंदिरा गांधी जो अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम है ये सरकार जो है इसने लॉन्च किया है डी ने, राजस्थान की सरकार ने। देखिए राजस्थान की सरकार ने इंदिरा गांधी जो यहाँ पर शहरी क्रेडिट योजना जो है उसको शुरू किया है। राजस्थान की सरकार जो है स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण जो है वो प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय, इसका सफल परीक्षण किसने किया है। इसका सफल परीक्षण किया है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उड़ीसा तट से दूर चांदीपुर में एक यहां पर एकीकृत परीक्षण रेंज के माध्यम से यहां पर दूरी की जो सबमरीन जो क्रूज मिसाइल है इसका यहां पर सबसोनिक क्रूज मिसाइल का जो परीक्षण है वो यहां पर किया है। निर्भय भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी की क्रूज मिसाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी यानी कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल जो है ये इसका यहां पर पूरा नाम होगा यानी कि ITCM जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। इसकी DRDO की स्थापना 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं G. सतीश रेड्डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन है 28वां जो आसियान क्षेत्र है मंच जो मंत्री स्तरीय बैठक जो है इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है। ये की है ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट है, राजकुमार रंजन सिंह के द्वारा। डी आपका करेक्ट है। हमारे विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जो है 28वें आसियान क्षेत्र जो मंच है इसके लिए विदेशी यात्रियों की बैठक में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व इन्होंने किया है। राजकुमार रंजन जो सिंह है यहाँ पर इन्होंने हिंद प्रशांत और यहाँ पर आतंकवाद के खतरे समुद्री क्षेत्र में यहाँ पर UNCLOS के महत्व और साइबर सुरक्षा पर भारत की दृष्टि को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। यहाँ पर जो ब्रुनेई की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया गया है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, इसका मुख्यालय है जकार्ता और इसके अध्यक्ष हैं ली सीन लूंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा एवरीवन। और इसके महासचिव है लिम जोक हुई। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया गया, तो ये हर साल मनाया जाता है 12 अगस्त को। बी आपका करेक्ट है। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, 500 लाइक का हम टारगेट रखते हैं, तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। देखो दुनिया भर में युवाओं के मुद्दों की ओर यहां पर सरकारों और अन्य लोगों का जो ध्यान है आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और यह दिन समाज के बेहतरी के लिए युवाओं के द्वारा किए गए प्रयासों की जो मान्यता देने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य यहाँ पर जो युवाओं को शामिल करने की जो तकनीक है उसको बढ़ावा देना, सकारात्मक जो यहाँ पर योगदान के माध्यम से अपने समुदायों के अधिक सक्रिय रूप से यहाँ पर शामिल होना है। अच्छा इस बात की इसकी जो थीम है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ, इस बार किसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है।
पहला राज्य एवरीवन सी आपका करेक्ट है, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ एक शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने 4,127 हेक्टर में अधिक वनों की जो यहाँ पर दमतरी है जिले में, यहाँ पर निवासियों के अधिकारों को यहाँ पर मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन है, 130वें डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया है? तो आप सभी जानते हैं कोलकाता के अंदर आयोजन किया गया है इसका, बी आपका करेक्ट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर बन जाएगी, डूरंड कप का आयोजन जो है कोलकाता में किया गया है। सेना की 4 टीमें सहित देश भर में 16 टीमें इसमें भाग लेंगी। डूरंड कप विश्व का तीसरा और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह प्रतिभागिता पहली बार 1888 में हिमाचल प्रदेश के डकसाई में आयोजित की गई थी। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और संस्करण 130वां। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय औद्योगिक मूल्य निर्धारण प्राधिकरण इसके नए जो अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी NPPA इसके नए अध्यक्ष यहां पर बने हैं कमलेश कुमार पंत। देखो यहां पर इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1997 यहां पर 97 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किन 4 देशों की नौसेनाओं के बीच मालाबार नौसेना अभ्यास जो है 2021 इसका आयोजन होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर है। भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया सहित क्वाड जो देश है इनमें नौसेना इंडो पैसिफिक में गुआम के तट पर वार्षिक मालाबार नौसेना अभ्यास आयोजित करेगा। अभ्यास की जो मालाबार श्रृंखला का उद्देश्य 4 क्वाड देशों की यहां पर नौसेना शक्तियों की अंतः क्रियाशीलता को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट नेग्लेक्ट बायस एंड द वे फॉर्म्ड ये बुक किसने लॉन्च की है? तो इस बुक को लिखा है पवन कुमार वर्मा ने। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप यहां पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, 500 लाइक हम टारगेट रखते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइज एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।